हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएनएम ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं आदित्य और मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये है आपका सोलर सेल से रिलेटेड वीडियो है। दोस्तों, सोलर सेल और क्या बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। सोलर के जो क्या क्या हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड जो जो डिवाइसेज हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ACF की वैकेंसी निकली हुई है और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ और मैं फिजिक्स का पार्ट टू लेकर आया हूँ। दोस्तों, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम फिजिक्स कंप्लीट कर रहे हैं, देन आफ्टर केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम जो फॉरेस्ट्री टेक्निकल वाली चीज़ें हैं उसे भी देखेंगे। मैं आपको टोटल यहाँ पे चार सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टेक्निकल और क्या बोलते हैं आपका फॉरेस्ट्री, ठीक है। ये चार सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं पहले कि सोलर सेल होता क्या है। तो सोलर सेल ऐसी डिवाइस है दोस्तों जो कहते हैं बहुत सारे सोलर सेल का कॉम्बिनेशन ही एक सोलर पैनल होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे सामने एक सोलर पैनल है, सनलाइट इधर से आ रही है और यहाँ पे टकरा रही है, ठीक है। जहाँ पे टकराती है वो बहुत पतली लेयर होती है, ठीक है, एकदम थिन लेयर होती है, पतली लेयर, ठीक है। अब उस पतली लेयर पे जब आके टकराती है कोई सनलाइट तो क्या होती है, वो पेनिट्रेट करती है, मतलब टकराती है। टकराने के बाद क्या होती है, वो जो होती है वो एन टाइप है। एन टाइप मतलब कि नेगेटिवली चार्ज होती है। उनके बीच में जो आप ब्राउन कलर की लेयर देख रहे होंगे ये होती है बीच की परत, जैसे कि डबल दो डबल रोटी है, ऊपर नीचे की डबल रोटी और बीच में बटर लगाते हैं। तो जो बटर वाला पार्ट है वो कौन सी लेयर है, तो वो है आपका ट्रांजिशन लेयर, बीच वाली लेयर, ठीक है। और ऊपर वाली लेयर एक क्या बोलते ब्रेड का पार्ट है और दूसरे वाली लेयर दूसरे ब्रेड का पार्ट है। तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन लेयर लगाया गया था, ट्रांजिशन लेयर क्यों लगाया गया है, ताकि इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी अच्छे से बन पाए, तभी इसका नाम दिया गया है PN जंक्शन। ऊपर वाला N, तीसरे वाला क्या बोलते हैं नीचे वाला P, ठीक है। ऊपर वाला N, नीचे वाला P, दोनों को जब मिलाते हैं तब बनता है PN जंक्शन। अब इसको N टाइप ही क्यों बोले, इसको P टाइप ही क्यों बोले, ये नेगेटिवली चार्ज, मतलब कि यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है और ऊपर वाले में नीचे वाले में पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं मेजर चीजें क्या होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और यहाँ पे मेजर चीज पीछे पी पी टाइप में मेजर चीज क्या होती है, तो होल्स होते हैं, ठीक है। और एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो होल्स वहां पे, जैसे कोई भी जगह पे क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं एक जगह पे आप खड़े हो, वहां से आप अगर आप हट जाओगे तो वहां पे क्या आ जाएगी, हवा भर जाएगी, ठीक है। वैसे ही क्या बोलते हैं चलते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है वहां पे होल हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ है, ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन था, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, व्हाट इज डेफिनेट क्या बोलते हैं सोलर, व्हाट इज सोलर हीटिंग डिवाइस, ठीक है। डिवाइस कौन कौन सी है हमारे पास, तो देखते हैं दोस्तों। तो ये सेकंड स्लाइड है, देखिए, अ सोलर वाटर हीटर इज अ डिवाइस दैट कैप्चर्स अ सनलाइट टू हीट वाटर, ठीक है। अब यह सनलाइट को कैप्चर करना और वाटर को हीट करना, जैसे कि आप जानते हो कंडक्शन कंडक्शन होता है हमारे पास, कंडक्शन प्लेट या फिर क्या बोलते हैं रॉड होती है, ठीक है, इमर्सल रॉड, ठीक है। उसे क्या करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट कर देते हैं और वाटर को हीट हो जाता है हमारा। तो हम क्या करेंगे, उस कंडक्शन क्या बोलते हैं रॉड को चार्ज करेंगे और उसे हम अपने पानी में डाल देंगे, वो ऑटोमेटिकली उसे गर्म कर देगा दोस्तों। तो ऐसी ही कुछ यहाँ पे प्रोसेस होती है और इसी तरीके की प्रोसेस के बारे में मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लेकर आया हूँ दोस्तों। यहाँ ब्लैक कलर का देख रहे होंगे फॉन्ट में जो लिखा हुआ है वो हिंदी में लिखा हुआ है दोस्तों, और जो ब्लू कलर का लिखा हुआ है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो एक तरह से एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको हीटिंग सोलर हीटिंग डिवाइसेस के बारे में बताया है और उसके बारे में समझाया है, ठीक है। सोलर हीटर नॉट ओनली इनेबल्स द सब्सटेंशियल एनर्जी सेविंग एज सोलर पावर, मतलब कि एनर्जी एनर्जी सेविंग तो करता ही करता है और हमारे जो फाइनेंशियल क्या कहते हैं तरीके से हम चीप चीप तरीके से कोई भी चीजों को यूज कर सकते हैं, बस क्या कहते हैं इसके फायदे बहुत सारे हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, हमारी थर्ड स्लाइड, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोलर हीटिंग डिवाइस। अब वर्किंग प्रिंसिपल आपको मैंने पहली ही स्लाइड में बताया था कि एक प्लेट होती है उस पे सोलर क्या बोलते हैं रेस टकराती हैं, ठीक है, यूवी रेस टकराती हैं और टकराने के बाद क्या होती है, जैसे ही क्या बोलते हैं उसकी एनर्जी पास होती है और पास होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड सोलर हीटिंग प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ देते हैं डेफिनेशन को भी, सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम यूज सोलर सेल टू कन्वर्ट द सन्स रेडिएट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए क्या का यूज करता है, तो सोलर सेल का यूज करता है। सोलर सेल क्या होते हैं, जो कि धूप के द्वारा चार्जेबल सेल होते हैं, ठीक है। सौर ऊर्जा, सौर विद्युतीकरण प्रणाली सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को बिजली में बदलने के लिए सौर कोशिकाओं का उपयोग करती है। आप कोशिकाएं मतलब कि कन्वर्जिंग सेल्स, ठीक है, सेल्स का उपयोग करती है, कन्वर्ट द सन्स रेडिएंट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। दिस इज डन यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टिक इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैं जो फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया था, ये देखिए ये वाली स्लाइड देख पा रहे हैं, इस इफेक्ट को बोलते हैं फोटोवोल्टिक इफेक्ट,
ठीक है। इसे फोटोवोल्टिक इफेक्ट बोला जाता है। पीएन जंक्शन का जो प्रोसेस है पूरी, उसे फोटोवोल्टिक इफेक्ट क्या कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि फोटॉन्स पड़ते हैं, ठीक है, जो एनर्जी होती है उसे फोटॉन्स कहा जाता है। दिस इज डन यूजिंग अ प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टिक इफेक्ट। सिंस अ सोलर सेल ओनली जनरेट अबाउट 1 to 2 watts ऑफ पावर, इट इज नेसेसरी टू कंबाइन देम इनटू अ सोलर पावर पैनल, ठीक है। अब उसे क्या, छोटे 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 एक एक जो चलते हैं सोलर सेल होते हैं, वो 1 to 2 watt ही एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम 10 मिला दे तो क्या हो जाएगा, 10 watt एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। ऐसे ही 100 मिला दे तो क्या हो जाएगी, 100 watt की एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। 10 watt 20 watt के तो हमारे बल्ब आते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। अब 100 watt के जैसे अपन छोटे फैंस चला सकते हैं, ये सब चला सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट मैं एग्जांपल लेकर आया हूँ दोस्तों, जैसे रिसेप्शन वगैरह में हम क्या बोलते हैं, एक कुकर छोटा सा बॉक्स होता है, ठीक है, कंटेनर होता है, उससे हम सब्जियां निकालते हैं। तो ये देखिए आज नया टाइप का जो सोलर हीटिंग पैनल टाइप का है, इसमें क्या हो रहा है कि ये हीट हो रहा है, ठीक है। अब ये धूप में रख के इसे चार्ज कर लेंगे, फिर इसको रात में यूज करेंगे। जैसे कि देखिए आप ये आलू क्या बोलते हैं, इसमें बॉयल मतलब आलू को गर्म किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि ये रखा हुआ इस कंटेनर में सब्जी रखी है, तो वो गर्म हो रही है कंटिन्यूसली, ठीक है, हीट के थ्रू। कौन से हीट के थ्रू, तो सोलर हीट के थ्रू, ठीक है दोस्तों। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं हम अपनी। तो देखिए सोलर कुकर, ठीक है। अब ये देखिए एक तरह का सोलर कुकर का एग्जांपल है दोस्तों। ये बीच में कंटेनर है और ये जो आजू बाजू प्लेट्स लगी हुई है, जो कि एल्यूमिनियम फॉइल है भी बोल सकते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल के थ्रू भी हो सकता है, और ये क्या बोलते हैं आपको, मिरर भी होता है, जो कि एक जगह पे पॉइंट एक पॉइंट पे लाइट को कंसंट्रेट करता है, ठीक है, और वो लाइट क्या होते हैं, हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करती है, ठीक है दोस्तों। अब लास्ट देख लेते हैं थोड़ा सा कि अगर होम यूज में कैसे लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो एक घर को लगभग लगभग 15 से 20 हजार में सोलर क्या बोलते हैं पैनल के थ्रू क्या बोलते हैं पूरी अरेंजमेंट किया जा सकता है। अगर एक 1000 से 1500 square feet का घर है, तो उसमें हम आपका 15 से 20 हजार रुपए में पूरा सोलर जो सेल्स सोलर जो पैनल है उसकी फिटिंग करके हम सौर ऊर्जा के द्वारा उस घर को चला सकते हैं। तो सोलर सेल का देखिए, सोलर सेल मतलब कि सोलर पैनल में आपका एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये देखिए ये पूरे पैनल्स जो लगे हुए हैं वो सोलर पैनल है, ठीक है, और इसमें जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं वो सोलर सेल है, ये देख पा रहे होंगे आप। ये सन है, ये अपनी लाइट दे रहा है यहाँ पे, और ये चार्ज हो रहे हैं दिन में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपने ट्रांसमीटर में ट्रांसमीटर के थ्रू एनर्जी ट्रांसमिट कर देंगे, और ये देखिए टीवी लगी हुई है, ये फ्रिज है, ये सब जो इक्विपमेंट्स चल पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये देख लीजिए, मैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल व्यू से बता देता हूँ। सन से एनर्जी एन टाइप में आएगी, फिर एन टाइप से वो पास होगी पी टाइप में, फिर पी टाइप से क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट जो होगा वो वायर के थ्रू चले जाएंगे, ठीक है, और होल्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, और उसके थ्रू ये बल्ब जलेगा, ठीक है, मोटा मोटा बात यही है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम अब देखेंगे विंड एनर्जी, बायोगैस एनर्जी और फॉसिल फ्यूल्स की एनर्जी, ठीक है। तीन तीन दो से तीन टॉपिक को लेकर चलूंगा दोस्तों कंप्लीट कराने के लिए, ठीक है, क्योंकि फिर हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस भी लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।